गाइस याद है ना वैलेंटाइंस डे राइट अराउंड द कॉर्नर, तो कुछ डिलिशियस सा सेक्सी सा डिजर्ट तो बनता है ना, जैसे कि स्ट्रॉबेरी गलेट। तो चलिए आज देखते हैं हाउ टू मेक दिस सुपर इजी, सुपर लुशियस एंड सुपर ब्यूटीफुल डिजर्ट, परफेक्ट फॉर वैलेंटाइंस डे। एंड इतना आसान है ना कि आप इसको आराम से बना सकते हो घर पे विद इन लाइक 10-15 मिनट्स एंड यू कैन इंप्रेस योर पार्टनर विद इट। सो लेट्स सी। उसके लिए हम लोग ले रहे हैं 1 cup एंड 1/3 cup मैदा रिफाइंड फ्लावर, 1 teaspoon बेकिंग पाउडर, अराउंड 50 grams ऑफ पाउडर्ड शुगर, 100 grams ऑफ बटर, अनसॉल्टेड बटर यूज किया है मैंने यहाँ पे, एंड थोड़ा ठंडा है बिकॉज आई वॉन्ट टू रब द फ्लावर विद इट। एंड नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस डो विद माय फिंगर्स टिल द बटर गेट्स इनकॉर्पोरेटेड। ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, एकदम कोर्स ब्रेड क्रम टाइप का लगेगा, दैट्स व्हेन इट्स रेडी। ये अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है उसमें बहुत अच्छे से होता है, बट सिंस अ लॉट ऑफ पीपल डोंट हैव फूड प्रोसेसर एंड मैं दिखाना चाहती थी कि ईजी डिजर्ट घर पे कितने आसानी से बन जाता है, आई एम ऑल्सो यूजिंग माई हैंड। नाउ इट हैज स्टार्टेड रिजेंबलिंग ब्रेड क्रम्स, काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गया मेरा बटर, एंड आई वॉन्ट दैट बटर टू बी देयर बिकॉज इससे हमारा जो पेस्ट्री है, जो शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री बन रहा है उसमें बहुत अच्छा सा फ्लेकीनेस रहेगा, बिकॉज द बटर हैज वाटर विच इज गोइंग टू रिलीज स्टीम विच इज गोइंग टू मेक माई शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री नाइस एंड रिजन एंड लाइट। सी वेरी नाइस एंड क्रम्बली टेक्सचर। इसमें हम लोग ऐड करेंगे मिल्क जस्ट टू ब्रिंग द डो टुगेदर। So we'll start off with 1 or 2 tablespoon and we'll see how much more we need. First adding 2 tablespoon of milk and baki if we need. Now I can see my dough already coming together. Nahi chahiye. Thoda sa doodh add kiya, around 1/2 tablespoon. So there's all together 2.5 tablespoon of milk. And I feel that is sufficient. Mujhe aata nahi gunna hai. I'm using my hands very lightly. मुझे बस डो को साथ मिलाना है बिकॉज हम लोग अगर आटा गूंद देंगे तो आर टार्ट इज नॉट ओनली नाइस एंड लाइट। चलिए दिस इज रेडी, वी आर गोइंग टू कवर इट एंड लेट इट रेस्ट फॉर 15-20 मिनट्स एंड तब तक हम लोग जो हमारा स्ट्रॉबेरी जाएगा फिलिंग में उसको प्रेप कर लेते हैं। हम लोग स्ट्रॉबेरीज को काट लेते हैं। आई एम गोइंग टू यूज अराउंड 400 grams ऑफ स्ट्रॉबेरी, अराउंड 3 cups, काफी मोटा है बिकॉज ऑब्वियसली आई वॉन्ट देम टू बी नाइस एंड यू नो विद माउथ फील, तो मैं इसको एकदम छोटा छोटा पीसेस में नहीं कट करूंगी क्योंकि ये जब बेक होगा तो ये मैश हो जाता है ऑलमोस्ट, आई डोंट वॉन्ट दैट कम्प्लीटली। नाउ आई एम गोइंग टू गो एंड ऐड इन अबाउट 1/4 cup ऑफ कास्टर शुगर, 1 teaspoon वनीला एक्सट्रैक्ट, 1 tablespoon कॉर्नस्टार्च। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं, लेट्स मिक्स दिस रियली नाइसली जब तक ये जो कॉर्नफ्लावर है ये अब्जॉर्ब ना हो जाए। व्हाई वी हैव एडेड दिस कॉर्नफ्लावर इज ताकि इसका जो स्ट्रॉबेरी का जो जूसेस निकलेगा वो सोक करके इट टर्न्स इनटू दिस ब्यूटीफुल जेली लाइक थिंग, यू नो लाइक अ सिरप बट अ थिक वन। वाओ सी ऑलरेडी इट्स बीन अब्जॉर्ब्ड, वेरी नाइस। सो स्ट्रॉबेरी फिलिंग इज ऑल्सो रेडी। अब हमारा जो डो है वो भी काफी चिल हो चुका है, नाउ लेट्स रोल इट आउट एंड शेप इट इनटू अ हार्ट। डो इज नाइस एंड चिल्ड एंड हियर आई हैव टेकन बटर पेपर और पार्चमेंट पेपर, सो आई एम गोना पुट इट इन बिटवीन दैट, दिस विल हेल्प मी रोल इट आउट, कवर इट एंड देन रोल इट लाइक दिस। चलिए नाउ रोलिंग इट आउट, आई एम गोना रोल इट टिल अबाउट 1/4 inch थिक। मैं कोशिश करूंगी यही पे कि आई गिव इट ऑलमोस्ट अ हार्ट शेप काइंड ऑफ आउटलाइन सो दैट मेरा ज्यादा वेस्टेज ना हो व्हेन आई गो अहेड एंड शेप इट।
Okay. Wow. And I'm just shaping it a little bit with my hand to get a heart-like shape. And here I have a little bit of strawberry jam. Because मैं अंडा यूज नहीं कर रही हूँ ये टार्ट में, दिस इज एन एगलेस स्ट्रॉबेरी गलेट. आई एम गोइंग टू पुट अ लिटिल बिट ऑफ दिस एट द बॉटम. अराउंड 2 टेबलस्पून आई हैव टेकन एंड आई एम गोना स्प्रेड इट अक्रॉस. दिस विल हेल्प शील्ड द टार्ट डो फ्रॉम द लिक्विड फ्रॉम द स्ट्रॉबेरी. अगर एग्स यूज करते हो आप, खाते हो, तो आप प्लीज ये एग से करना. दैट इज द मोस्ट फुल प्रूफ वे ऑफ डूइंग इट. Now I'm adding in the strawberries. See, the strawberries already released some liquid that we'll put on top later. But for now, I'm just going to spread this beautiful fruit all across. Let's fold our tart. Don't worry, thoda sa nikal gaya hai. All good. Fold it in. Okay, and make it, and then do over here, make it look like a heart. Putting this liquid on top, which is the sugar and the corn flour. लग रहा है ना एकदम कि heart बन गया. See, it's a perfect Valentine's Day dessert. I told you. I'm moving it onto a tray. Nice. इसमें थोड़ा सा brush करेंगे with milk or with your eggs if you have eggs. जो एग्स यूज करते हैं उससे शाइन ज्यादा आता है, बट द मिल्क गिव्स इट अ नाइस ब्राउनी एज वेल. तो बिकॉज इट्स एन एगलेस वन, ऑब्वियसली वी नॉट यूजिंग एग, बट इफ यू डू प्लीज यूज इट, इट्स रियली नाइस. स्प्रिंकल ऑफ कास्टर्ड शुगर ऑन टॉप. एंड नाउ वी आर रेडी टू बेक. We are going to bake this for around 35 to 40 minutes in a preheated oven at 180 degrees centigrade, and if required we'll give more time later. Wow, just look at this. Amazing guys, it's bubbling. Now all you have to do is wait for it to cool down nicely before we try to move it, otherwise ये एकदम टूट जाएगा. अभी ये बहुत ज़्यादा फ्रजाइल है, इसको हम लोग अच्छे से ठंडा होने देंगे before we try to move it onto a plate. गलेट ठंडा हो चुका है, I can now touch it. So now we're ready to move it. Move करने के लिए हल्का सा साइड्स अटैच हो गया, वहाँ से थोड़ा रिलीज कर लेते हैं. Lift. Nice. Now the challenge of getting the gullet off this paper, which honestly is not that difficult. Okay, I'm just using a spatula to release it from the bottom. So any juices, sugar, syrup, that stuff, that will not impact. And that's it. I'm just gonna hold it and pull the paper. Lovely. This is a dessert heart. इसको सर्व कीजिए आप आइसक्रीम के साथ, it pairs really well. And I'm telling you, your Valentine's Day is going to be super impressed. And अगर आप लड़के लोग बना रहे हो तब तो मैं बोल सकती हूँ कि the girls will be absolutely fida over you. After all, there's nothing sexier than a man who knows how to cook. So go check out this recipe, try it out. Make it for your loved one this Valentine's Day and let me know in the comments below how you liked it. And of course, subscribe karna mat bhuliyega mere channel ko for such more fun recipes, and click on the bell icon below so you get notified of any new video that comes up. And share with your friends jinko seekhna chahiye ki aise heart shaped tarts kaise banane hain, who need to up their game in their love life. So I'm off and I'm going to carry my heart with me to enjoy. Bye.